नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं पावर बीआई की वीडियोज है और ये लाइव क्लासेज है, ये लाइव ग्रुप क्लासेज है। इसमें करीब 3-4 लोग ग्रुप में है जो की क्लास ले रहे हैं, इसकी लाइव क्लासेज की वीडियो देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, हमारी एडवांस एक्सेल्स एंड वीवी मैक्रो की एक बैच शुरू हो रहा है रात को 8 बजे 20 जुलाई से, जिसमें कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड एंड वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड होगा। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना सीट बुक कीजिए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो आज की सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विजुलाइजेशन। हमने कॉलम एंड बार चार्ट की विजुलाइजेशन के बारे में बात की थी, हम बात करेंगे यहाँ हम लाइन चार्ट की। तो मैंने डेटा पहले से इंपोर्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं। अब मुझे इसमें लाइन चार्ट की जरूरत है। देखिए बेसिकली लाइन चार्ट हम कब दिखाते हैं, हमें फ्लो दिखाना होता है तब। जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ मंथ वाइज डेट वाइज इस तरह का कोई फ्लो, तो मैंने डेट को रखा यहाँ पे और मान लीजिए मैं अपनी क्वांटिटी को रखा किसमें, एक्सिस में। तो आप देखेंगे ईयरली रिपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि मैंने डेट रखा तो डेट को यहाँ पे हेरिकल कर दिया, जिसमें ईयर क्वार्टर मंथ डे आ गया हुआ है। लेकिन मुझे मंथ और क्वार्टर चाहिए, इस तरह का रिपोर्ट चाहिए। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा ये लेवल एक्सपेंड लेवल, इस पे क्लिक कीजिए आ जाएगा। एक और इस यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए इस तरह से मंथली आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऊपर करेंगे तो आपका ईयरली इस तरह से आए। अब इस पे क्लिक कर इसमें मैं इस पे क्लिक किया और फिर हाँ देख सकते हैं ये आपका यहां से चेंज होता है, ठीक है। नहीं मुझे मंथ ही रखना है, ईयर नहीं रखना है, तो हम यहां से क्रॉस कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वही यहाँ पे रिपोर्ट दिखेगा, इसके अलावा यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। लाइन चार्ट में एक और आता है यहाँ पे एरिया चार्ट। अब एरिया चार्ट क्या करता है, देखिए लाइन चार्ट और एरिया चार्ट बिल्कुल सिमिलर है। क्वांटिटी को पुट किया, अब इसको भी मैं यहां से ईयर क्वार्टर हटा दिया, मंथ रखा। तो देख सकते हैं कि लाइन चार्ट में सिर्फ लाइन है और एरिया चार्ट में लाइन के साथ एरिया भी, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेटिंग, दोनों की फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम है। ऐसे मोस्टली विजुलाइजेशन की फॉर्मेटिंग सेम ही होती है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है जो नीचे आ रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसे मैंने बोल्ड कर दिया, तो देखिए बोल्ड हो गया। उसके अलावा इसकी कलर, इसका हाइट वगैरह चेंज करते हैं। टाइटल यहाँ देखिए मंथ दिख रहा है, टाइटल यहाँ से ऑफ कर दीजिए, टाइटल नहीं दिखेगा। लेआउट, लेआउट की जो मिनिमम कैटेगरी विड्थ है वो 20% है, इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लेआउट दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका वाई एक्सिस। ये जो दिख रहा है 30 31 वाई, जो नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वो आपका एक्सिस है। इसमें आप सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते कितना होगा। क्या डिसाइड करते हैं, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे कि कॉलम चार्ट में था वो यहाँ भी होगा। हाँ यहाँ पे लॉगरिथम स्केल को आप ला सकते हो। लॉगरिथम स्केल में क्या होगा कि इस तरह से स्केल 10 को 20 की इस तरह से स्केल के अकॉर्डिंग सीधा दे देगा, बट स्केल करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। देखिए आप इसने स्केल कर दिया, अभी फिलहाल कितना है, अभी ए जो आप देख सकते हैं 30K से शुरू है, 35K 40K 55 पे है, लेकिन जब जैसे लॉगिन स्केल करेंगे वो क्या करेगा अपने हिसाब से सेट करेगा और देखिए आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इन्वर्ट रेंज करेंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। देन इसकी वैल्यू की जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टाइटल की फॉर्मेटिंग वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेकेंडरी एक्सेस, अब सेकेंडरी एक्सेस के मतलब क्या हुआ कि इसमें जब हम दो लेजेंड यूज करेंगे तो उस केस में यूज करते हैं सेकेंडरी एक्सेस के। आगे बारे बताता हूँ आगे। लेजेंड स्मॉल मल्टीपल्स में रखे नहीं तो दिखे नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जूम इन साइड करेंगे तो यहाँ पे जूमिंग का सिस्टम आ जाता है, जिससे आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे।
लाइंस, ये जो लाइन है इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहे यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि सॉलिड चाहिए, डॉट चाहिए, डेटर चाहिए, राउंड में चाहिए, ज्वाइंट्स जो है, या हमने बीटल कर दिया, बीटल आएगा, इसकी विड्थ कितना, आपकी जो लाइन है उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए वो यहां से डिसाइड कर सकते हैं। ये लीनियर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, देखिए, या स्टेप होना चाहिए, यहां से डिसाइड कर सकते हैं। एंड कलर, कलर क्या होना चाहिए। अब यहां पे एक लाइन है इसलिए ऑल पे हो रहा है, लेकिन अगर हो सकता है मल्टीपल्स लाइंस हो तो यहां से आप उस सीरीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा मल्टीपल्स लाइंस में। उसके बाद सेड एरिया, अब यहां पे यहां सेड एरिया क्लिक करेंगे तो एरिया आपका एरिया चार्ट में हो जाएगा। मार्कर ऑन करेंगे तो मार्कर्स आ जाएंगे, और मार्कर्स के भी आप क्या चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ इस तरह का मार्कर होना चाहिए। अब मार्कर नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइन की साइज ज्यादा है, इसलिए आप यहां बढ़ाइए, मार्कर की साइज आपको दिख जाएगा, ठीक है। मार्कर का कलर वगैरह डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे कि मार्कर किस कलर का होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि मार्कर जो है ब्लू कलर का होना चाहिए, इस तरह से मार्कर कर सकते हैं। फिर डेटा लेवल, इसके ऊपर डेटा लेवल ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे सीरीज लेवल, सीरीज लेवल करेंगे तो सम ऑफ यहाँ पे आ गया, क्वांटिटी सीरीज लेवल भी आ जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटी आ जाता है कि क्या है आपके। उसके बाद प्लॉट एरिया का बैकग्राउंड, जो पीछे का एरिया है इसकी बैकग्राउंड अगर फिट करना चाहे तो आप ब्राउज करके कोई कोई पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके इसमें सेम आपका एरिया चार्ट का भी सेम होता है। अब इसमें दो चीजें हैं, लेजेंड और मल्टीपल्स। अब जैसे कि क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हम एक ही लाइन बनाए। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मंथली सेल चाहिए, तो मैंने मंथ को यहाँ डाला और मंथली सेल्स में हमने क्वांटिटी का चाहिए तो क्वांटिटी यहाँ पे डाला। देखिए मुझे मंथली जो सेल है हमारा, और मंथली सेल में हम ये देखना चाहते हैं कि किस किस प्रोडक्ट का क्या सेल है, या किस किस ईयर में कितना सेल हुआ है, ईयरली और मंथली चाहिए मुझे। तो यहाँ अगर ईयर तो इसमें नहीं है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो हमने लेजेंड में प्रोडक्ट को रख दिए। तो ये देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग सेल्स आपको यहाँ दिख रहा है। अब इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ लेजेंड का कॉलम होता है, इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, यहाँ जो दिख रहा है उसको। उसके बाद यहाँ आपका जो है लाइंस के अंदर में, यहाँ ऑल में देखिए जितने प्रोडक्ट है उतने लिस्ट आए, हर प्रोडक्ट का आप अलग अलग कलर कर सकते हैं। और ये आप एरिया चार्ट में भी सेम रहेगा और लाइन चार्ट में भी सेम रहेगा, सिंपली इसमें कोई कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। इसमें एक आता है स्मॉल मल्टीपल्स। जैसे मान लीजिए कि मुझे हर प्रोडक्ट का अलग अलग चार्ट चाहिए, इस तरह से नहीं थे, इसको उठा के मैंने स्मॉल मल्टीपल्स में रख दिए, तो क्या हुआ कि हर प्रोडक्ट का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग मंथली चार्ट बन गया, जैसे हमने कॉलम में किया था, बिल्कुल यहाँ भी सेम है। अब यहाँ पे अगला आता है स्टैक एरिया चार्ट, स्टैक एरिया चार्ट। अब ये क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं मंथ वाइज ही मैं मंथ को रखा, एक मिनट, मंथ कहाँ गया, हाँ मंथ को रखा एक्सिस में, क्वांटिटी को रखा इसमें, तो ये सिंपल दिख रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट को रखता हूँ लेजेंड में तो इस तरह से देखिए हर किसी का अलग अलग लाइन क्रिएट हो रहा है, बट टोटल ओवरऑल यहाँ पे 40 के सेल के हिसाब से चल रहा है और 40 के को इसने परसेंटेज में डिवाइड किया था, जैसे कि हमारा ये जो एक स्टैक कॉलम चार्ट था वो डिवाइड किया था। अगर इसको मैं नॉर्मल लाइन करूं तो इस तरह से आएगा, लेकिन जब स्टैक करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन की तरह दिखेगा। उस वजह से यहाँ पे 100% है तो 100% क्या करेगा, 100% अकॉर्डिंग एक कंट्रीब्यूशन दिखा देगा कि किस कलर का यहाँ पे किसका क्या कलर है, बिल्कुल सेम उसी तरह से जो कि हमने यहाँ पे ये जो हमारा 100% वाला पार्ट था 100% उसी हिसाब से उसी तरह से। अब आती है कॉम्बो चार्ट। कई बार क्या होता है कि हमें दो चीजें चाहिए होता है, जैसे मैं यहां पे चाहता हूं प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट दोनों का कंपेयर चाहता हूं,
ऐसे केस में मैंने लाइन चार्ट पे लिया यहां पे। अब यहां पे मैंने वाई एक्सिस में के नीचे एक्सिस क्या होगा, तो इस केस में हमने प्रोडक्ट को रख दिया कॉलम। अब कॉलम में क्या दिखाना चाहते हैं, तो कॉलम में दिखाना चाहता हूँ अमाउंट, उसको मैंने यहां रख दिया। लाइन में क्या दिखाना चाहता हूँ, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को मैंने यहां रखा। ठीक है, यहां पे आप चाहो तो यहां पे एक चीज और है कि एसओ को उठाकर मैंने कॉलम लेजेंड में रख दिया, तो कॉलम के भी पार्ट आ गए। तो लेजेंड वगैरह भी इसी तरह से डिसाइड आप कर सकते हैं। तो मल्टीपल्स आप ले सकते हैं, और इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल वही है जो कि नॉर्मल थी, बस इसमें आपका और कुछ ऐड नहीं हुआ है। इसमें आपका एक सेकेंडरी एक्सेस ऑटोमेटिक यहां पे आ चुका है, देख सकते हैं यहां पे। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि दो ये लाइन जो है इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, और प्रोडक्ट ये आपका सेल जो है इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सेकेंडरी एक्सेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सेकेंड एक्सेस को आप जो है अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मिनिमम में यहाँ पे ऑटो कर दिया, और मैक्सिमम जो रेंज है इसका, इसमें मैंने यहाँ पे आया और हमने अमाउंट का सम ले लिया, देख सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिलियन है, यहाँ भी आपका 120, नहीं, एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है, देखिए सम तो टोटल आया था ना 120 मिलियन, 20 मिलियन है, ये 20 मिलियन भी आप यहाँ पे मैनुअल लिख सकते हो। दाएं दाएं सॉरी, सेकेंडरी वाई एक्सिस था ना हमारा, गलत जगह पे कर रहा था, ये रहा सेकेंडरी वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसमें दूसरा जो है, अगर दूसरे को लेता हूं तो ये दूसरे में इसमें कोई फर्क नहीं है, लाइन कर्सर्ड है, ये आपका लाइन है, स्टैक है। ठीक है सर, तो दिक्कत इसमें आप लोगों को, प्रशांत जी के, हेलो करण जी, कोई डाउट इसमें, नो सर। ये हमने लाइन दी। इसमें एक हमारे पास आता है रिवन चार्ट, रिवन चार्ट रिवन की तरह, जो रिवन होती है देखते होंगे आपने, रिवन की तरह इसका यूज होता है। यहाँ पे अगर मैंने क्वांटिटी ले लिया, तो फिलहाल आपका ये देखिए नॉर्मल दिख रहा है, इसके अंदर रिवन जनरेट हो जाता है। हमने कॉलम चार्ट में भी रिवन जनरेट करना दिखाया था आपको, रिवन जनरेट नहीं करे तो नॉर्मल रहेगा, रिवन जनरेट करते ही रिवन चार्ट हो जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर लेजेंड रखते हैं ना, तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है। जैसे मैंने इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे डेट को ही उठा के लेजेंड में रखते हैं, और इसको हैरिकल कर देते हैं, हैरिकल और ईयरली, तो देख सकता है कि मंथली और ईयरली का इस तरह से रिबन आ गया। तो कैसे सेल्स एकदम ड्रॉप हुआ, कैसे अप हुआ, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसका यूज मैं बता दूं, मैंने अपने लाइफ में नहीं किया। हाँ, इसका यूज तक करते हैं एरिया और कॉलम चार्ट के लिए, तो एरिया और लाइन चार्ट होता है, तो एरिया और कॉलम चार्ट की तरह रिवन की तरह फॉरवर्ड होता है, तो ये मैंने यूज किया है, बट वो यूज नहीं किया है। वाटरफॉल चार्ट का यूज बताएंगे आपको क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डेट रखा कैटेगरी में, एंड क्वांटिटी को रखा वाई एक्सिस में। ठीक है, देख सकते हैं कि ये आपको वाटरफॉल चार्ट इसको कहा जाता है। इसमें हम मुझे बता रहा है कि हम हमारा 2020 के अंदर 1 मिलियन का हमारा सेल्स था, 0.01 में, 10K 100K का हमारा सेल्स था। उसके बाद हमारा 2021 में सेल्स यहां से उठा और यहां, तो हम देख पा रहे हैं कि 2021 तक ओवरऑल हमारा, या फिर सेल की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर प्रॉफिट रख देता हूँ,
तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि हमारा करीब 15 मिलियन का प्रॉफिट था 2020 में, और 2021 में जो प्रॉफिट हुआ वो 15 मिलियन से लेके आपका वही 30-32 मिलियन तक हुआ। तो टोटल हमारा 2021 तक प्रॉफिट कहां तक पहुंचा, तो प्रॉफिट पहुंचा हमारा 30-32 मिलियन के आसपास, ठीक है। इसी तरह होते हुए टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है, तो 60 मिलियन प्रॉफिट है। तो ये एक तरह से क्यूमुलेटिव होता है, क्या होता है, क्यूमुलेटिव, ठीक है। अब इसी को ब्रेकडाउन लगा दो कि मुझे प्रोडक्ट वाइज देखने हैं, तो ब्रेकडाउन में रखेंगे तो यहां देखिए हर यहां पे 2020 और उनके प्रोडक्ट्स। अब यहां पे देखिए लॉसेज हुआ है, तो लॉसेज ही बता रहा है, रेड हो गया ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेल गिर रहा है। 2022 में हमारा यह था, देखिए पैथन बीवी सबको देखिए, यहाँ पे सेल्स जो है वो गिरते आ रहा है, माइनस में आते आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है सर। तो इस तरह से इन्वर्ट दिखाता है, ओके। तो हम यहाँ वाटरफॉल देखिए, अब फनल चार्ट स्केटर चार्ट के लिए डेटा अलग होगा, तो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।